हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। जब से गाइस G20 की मीटिंग स्टार्ट हुई है, तब से एक जो क्वेश्चन है वो फिर से सामने आ गया है, क्या है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर, क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। और स्पेशली जब से RBI के हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो G20 के मेंबर्स हैं, जब हमने कल क्रिप्टो इनसाइट वाले चैनल पे ये वीडियो भी कवर करा था जहाँ पे RBI के जो हमारे गवर्नर हैं उनका मानना है कि जो G20 के मेंबर हैं वो क्रिप्टो करेंसी को बैन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आज के वीडियो में गाइस फाइनल मुझे लगता है बात करेंगे हम लोग और आज क्लियर हो जाएगा। प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है या नहीं हो सकती, इन शॉर्ट बैन नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो सकती। प्रूफ के साथ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा और उसके बाद मुझे लगता है सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। और बात करेंगे उसके अलावा बिटकॉइन के बारे में, चार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 4 आवर चार्ट में और 1 डे चार्ट में, जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा G20 का ये जो बैन वैन की कहानी है इस पर चलते हैं। तो गाइस क्रिप्टो इनसाइट वाले चैनल पे कल मैंने ये वीडियो बनाया था जहाँ पे RBI के गवर्नर ने बोला था हमारे कि G20 मेंबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन के बारे में सोच रहे हैं। और क्रिप्टो इनसाइट्स को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है जरूर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और वीडियो जो कल हमने हमारे मेन चैनल पे क्रिप्टो विद विशाल पे बनाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि IMF और FSB आपस में ये कंसल्ट करके एक पेपर को ड्राफ्ट करेंगे। सितंबर तक वो पेपर आएगा जहां से क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चलेगा कि क्या वो कंट्री सोच रही है। इसमें एक चीज़ और भी हमने देखी थी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इस बारे में बात कर देंगे, बैन करना या रेगुलेट करना आसान नहीं है, जो भी है उसको डिस्कस करना पड़ेगा तभी कुछ होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आज का इंटरव्यू और ये है 27 तारीख यहाँ यानी कि आज का। किसका इंटरव्यू है ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पेपर बनाया जाएगा डिस्कस किया जाएगा, ये कर रहा है IMF। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि IMF तो हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट में है। तो गाइस मैं आप लोगों को अब जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे, स्टेटमेंट ये नहीं है कि कहीं पे पढ़ा हुआ हम दिखा रहे हैं, वीडियो है ये जो IMF की जो चीफ है उनका क्या मानना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। साउंड थोड़ा सा कम रह सकता है, मैं टाइम स्टैम्प आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो वहां से आप इसे देख लीजिए क्या इन्होंने बोला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए पहली चीज इन्होंने बोली है कि जो क्रिप्टो एसेट है उसको लीगल टेंडर हम लोग यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। So, 1.18 से आप सुनिएगा जो मेन कन्वर्सेशन है यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बोली है जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बिलीव में हैं कि क्रिप्टो करेंसी को जो डिजिटल मनी है उसको हम लोग रेगुलेट करें ना कि बैन करें। तो गाइस बैन वर्ड जो है वो सिर्फ एक जगह चल रहा है, वो है इंडिया के अंदर। बाकी जिनको बनाना है वो पेपर ड्राफ्ट करना है वो तक इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों को भी उसको रेगुलेट करना है, बैन नहीं करना है। तो प्लीज़ ये जो बैन का जो मार्केट में न्यूज़ें अफवाह फैल रही हैं प्लीज़ इसको इग्नोर करिए। अगर आपको कोई इस तरीके के ट्विटर पे या कहीं पे कुछ स्प्रेड भी करता है फटाक से उसको रिपोर्ट मारिए और फालतू की चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है इन शॉर्ट यहाँ पे। अब चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। तो क्रिप्टो एनालिसिस का वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो जो मार्केट कैप है वो लगभग 1 ट्रिलियन के ऊपर है अभी भी। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 3% डाउन है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है, फी एंड इंडेक्स बताता है 50, न्यूट्रल के ऊपर पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है अगेन वो भी न्यूट्रल। और अगर हीट मैप देखेंगे ओवरऑल तो BTC 1.22% अप और इथेरियम 2.10% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नया वीक स्टार्ट हुआ है, इस नए वीक में क्या क्या आने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आने वाले हैं मंडे को, उसका डेटा निकल के आएगा, पेंडिंग होम सेल्स का डेटा निकल के आएगा, ये US का डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये मंडे का है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा ट्यूसडे को आएगा, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI वेडनेसडे को आएगा, व्हीकल सेल्स वेडनेसडे को आएगा, जॉबलेस क्लेम थर्सडे को आएगा और ISM सर्विस PMI जो है फ्राइडे को आएगा। मैं इम्पॉर्टेंट इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़रें हैं, जॉबलेस क्लेम जो थर्सडे को आएगा वो नंबर किस तरीके से यहाँ पे आता है। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 23,409। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे पहली चीज़
ये मैंने वैसे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी शेयर किया था, और एक और जगह बाइनेंस के फीड पे भी अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो जो भी बाइनेंस के फीड पे चल रहा है वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ अपडेट जो है वहाँ पे भी मैं आपको देता रहूँगा। तो वहाँ पे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ जो है शेयर करी है, और वो चीज़ ये थी कि पैटर्न जो है फिलहाल अभी ये दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये एक हमारा 14 जनवरी के टाइम पे था, ये टाइम पे हम लोग ऊपर की तरफ आए, फिर नीचे आए, फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए। सेम इसी तरीके की चीज़ हमें फरवरी में होती हुई दिखाई थी कि हम पहले एक रेजिस्टेंस आया फिर हम नीचे आए, कुछ इसी तरीके का माहौल जो है मुझे अब भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर वाला चार्ट जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग, और ये नाइट पे भी मैंने शेयर कर दिया था कि यहाँ से एक उम्मीद है कि अब हमें एक और डंप जो है यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, और डंप लगभग वही लेवल तक रहेगा, 23,000 के हम लोग लेवल तक आएंगे, और वहाँ से फिर हम लोग एक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दो ट्रेंड जो हैं पिछले के अभी इसी तरीके से बने। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, इसके लिए 4 आवर चार्ट था, इसके लिए अभी हम लोग चलते हैं 1 डे चार्ट में, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दिखाई दे रही है, और वो है यहाँ पे डबल टॉप। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये इस तरीके का पैटर्न जो है बन रहा है। अब अगर ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है तो हो सकता है कि हम लोग ये चीज़ को यहाँ पे फॉलो करें। इस केस में ये जो 25,000 वाला लेवल है यहाँ पे हमारे पास फिर से रेजिस्टेंस आएगा, मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हमें अभी देखने को मिलेगा इस लेवल पे, और उस करेक्शन के बाद फिर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। जब हम ऊपर जाएंगे यानी कि 25,000 पे, तब हमारे साथ ये वाली सिचुएशन प्ले हो सकती है कि अगर 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर से डबल टॉप पैटर्न बना, तो हम फिर से नीचे की तरफ काफ़ी यहाँ पे आ सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें से चीज़ें वन बाई वन तब होंगी। ये पैटर्न हमारा तब फॉलो होगा अगर हम लोग फिर से यहाँ पे, मेरा मानना है कि करीब करीब 23,000 के लेवल तक, 23,400 चल रहा है अभी, 22,900 से लेके करीब 23,000 के रेंज में एक बार आए, और उसके बाद अगर हम ये वाला फॉलो करते हैं तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो जाएगा। पर इस पैटर्न से ज़्यादा मुझे ये वाली चीज़ की ज़्यादा चिंता है कि जब दोबारा हम लोग 25,000 को टच करेंगे तो डबल टॉप हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बना तो फिर हम लोग नीचे आ ही गए, और अगर हमारा इस लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बहुत अच्छा हमारे लिए एक रिजल्ट आने वाले टाइम में हो सकता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि यार आप बता रहे हो ये कि दोनों तरफ आप बोलो। तो गाइज़ मैं आपको जो पैटर्न दिख रहे हैं चार्ट में वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली बिटकॉइन किस मूव से ऊपर जाएगा, ये इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको पता, क्योंकि अगर जिसको पता होगा कि बिटकॉइन इधर से ऐसा मूव करेगा तो वो फ्यूचर में पता नहीं कितने एक्स का लेवरेज लेगा, और अगर $1,000-2,000 भी उसके पास होंगे तो भी वो बिलीनियर जो है बन के वहाँ पे एक महीने में निकल जाएगा, तो किसी को पता नहीं है। पर हाँ, हम लोग चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, चार्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जो डेटा सेंटीमेंट निकल के आते हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बताता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 4 आवर के चार्ट में और 1 डे के चार्ट में। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक के अपडेट, और अगेन दोबारा मैं और बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, बैन को लेके कुछ नहीं होने वाला, बैन पॉसिबल नहीं है, इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और वो कोई कंट्री यहाँ पे बैन नहीं चाहती है। अगर आप इवन बाहर की कंट्रीज़ के बारे में भी सुनेंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है जिस तरीके की चीज़ें हमारे वहाँ पे हो रही है। पर हाँ, ये ज़रूर रहा है कि जो G20 रही है वो इंडिया के पास पावर थी इस बार क्रिप्टो को डिस्कस करने की, शायद किसी और कंट्री के अंदर ये अगर G20 की उनको अगर मिली होती पावर की उनको भाई अपने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मुझे नहीं लगता क्रिप्टो को ऐड भी किया जाता वहाँ पे, क्योंकि बाकी लोग बैन के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो बैन जैसा क्वेश्चन मेरा पर्सनल मानना है हमें आने वाले टाइम में देखते हुए नहीं मिलेगा, पर हाँ रेगुलेशन ज़रूर देखने को मिलेगी, और उसमें भी अभी टाइम है, जो भी रेगुलेशन होगी जैसा भी आएगा हम देखेंगे। और अगेन जब तक ये नहीं होता सितंबर तक, अक्टूबर तक, मेरे ख्याल से जो ये बार बार के डिस्कशन है क्या क्रिप्टो करेंसी होगी, जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, उस चीज़ को मेरे ख्याल से हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि IMF के जो चीफ है उन्होंने खुद ही ये चीज़ बोल दी है, तो इसका आगे कोई भी अब मतलब नहीं है डिस्कस करने का। तो ये था इस वीडियो, इसके अलावा आप जानती हैं जो भी दिन भर डिस्कस होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाइनेंस फीड पे अगर आप हैं तो मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर करा है बाइनेंस फीड का, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो गाइस पसंद आया इसको लाइक वो शेयर कीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।